नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। कातिल ने किस सफाई से धोई है अस्थि, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। इकबाल अजीम की लिखी ये लाइनें आज इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस बिहार के लड़के प्रकाश की मौत का जिम्मेदार हल्द्वानी के मुस्लिमों को बताया गया था, उसको लेकर एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सबसे चेहरे पर लगे, सबके जो चेहरे पर नकाब लगे थे उसको उतार दिया है, उसको उतारने का काम किया है। झूठ और प्रोपोगेंडा की सारी कलई अब देश के सामने आ गई है, जिसने धामी सरकार की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसा हम नहीं, आज हर कोई इस बात को दोहरा रहा है, क्योंकि जो सच पिछले कई दिनों से दफन था वो अब बाहर आ चुका है, जिसके बारे में एक एक बात आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस ने कितना बड़ा फरेब किया है, झूठ बोला है और मुस्लिमों को सीधा निशाना बनाया है। दरअसल 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जिंदगी हल्द्वानी में पटरी पर नहीं लौटी है। एक ओर जहां धामी सरकार को टूरिज्म सेक्टर से करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं पुलिस और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसका खुलासा हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो जब हल्द्वानी में हिंसा हुई थी तो एक बिहार का नौजवान जिसका नाम प्रकाश था, उसकी मौत हो गई थी, जिसका आरोप हल्द्वानी के रहवासियों यानी मुस्लिमों पर पुलिस ने लगाया था, जिसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने निष्पक्ष जांच करते हुए ये बताया कि प्रकाश की मौत अवैध संबंधों के चलते हुई थी, उसकी दंगों में मौत नहीं हुई थी। जी हाँ, सोचिए, जिसको दंगा नाम दिया जा रहा था वो अवैध संबंध के चलते हुई। इस बात को खुद SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। सुनिए आप भी, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो SSP साहब की मुंह जवानी सुन लीजिए कि किस तरह से प्रकाश की मौत को एक प्रोपोगेंडा बनाते हुए किस तरह से उसको एक कहानी गढ़ दी गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। सुनिए। ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज्यादा सर्लांस करने पर यह पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहां पर इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई। SSP ने जो राज खोले हैं उससे ये साफ है कि प्रकाश की मौत 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा में नहीं हुई थी, बल्कि अवैध संबंधों की वजह से उसकी जान गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। SSP ने खुद कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रकाश के अवैध संबंध कांस्टेबल की पत्नी से थे। हत्या के बाद दंगे में मौत की साजिश पुलिस कांस्टेबल और उसकी पत्नी और साले के द्वारा रची गई थी। ऐसा नहीं कि पुलिस पर बस यही आरोप लगे थे, इसके अलावा भी कई बड़े आरोप लगे हैं। हाल ही में एक मीडिया संस्थान ने हल्द्वानी की पूरी रिपोर्ट में बताया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस प्रताड़ितों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। एक वीडियो पत्रकार ने शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड हल्द्वानी, जाहिद को सीने में किसने गोली मारी, अनस को पेट में गोली किसने मारी, उत्तराखंड सरकार क्या जवाब देगी, आखिर इन मासूमों का गुनाह क्या था और गुनाहगार कौन है, इन पीड़ितों को इंसाफ कौन देगा। पीड़ित परिवार कह रहा है हमको कानून पर भरोसा नहीं, उन्हों अब कौन इंसाफ देगा, पीड़ित परिवार का दर्द सुनो। यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन्हें कानून पर ही भरोसा नहीं रह गया उन्हें कौन इंसाफ देगा। ऐसा दावा है कि अभी भी हल्द्वानी के हालात सही नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 घंटे ही अभी कर्फ्यू में ढील दी गई, यहां तक कि जुमे की नमाज पर भी रोक लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 फरवरी को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा के बाद शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने पर प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जुमे की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाएगी, लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़े। साथ ही बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के 9वें दिन कर्फ्यू में ढील बढ़ाई गई। खबर में आगे लिखा है कि प्रशासन ने कर्फ्यू वाले इलाके में 2 ही जगह 3 घंटे की ढील
रहेगी। लाइन नंबर किदवई नगर, गफूर बस्ती, मलिक का बगीचा, इंदिरा नगर, शनि बाजार रोड में ढील रहेगी। 3 घंटे तक बनभूलपुरा में जनरल स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। बनभूलपुरा में सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी चीजों की दुकान खुलेगी। गजाजाली रेलवे बाजार FCI में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक छूट रहेगी। हालांकि अभी भी लोग परेशान हैं, ना खाने को है और ना ही पैसा कमाने को कहीं जा पा रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद अमर उजाला की ओर से की गई रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति सिटी मजिस्ट्रेट से मिलता है और बताता है कि वो गोला में खनन श्रमिक है। अब कर्फ्यू लगा है, कोई काम नहीं है, राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट एक कर्मचारी को संबंधित व्यक्ति की मदद के लिए भेजती है। इससे कुछ दूरी पर दुर्गा माता मंदिर के पास मिले सुधीर साहू ने कहा कि स्थिति अभी सामान्य हो रही है। बनभूलपुरा के में मलिक का बगीचे के पास जमकर आगजनी हुई थी। कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। वहां अभी राख जमा है जो उस दिन की घटना को बयां कर रही है। इसके अलावा पूरे इलाके में सन्नाटा फैला हुआ है। सरकारी वाहनों का अचानक शोर बढ़ने पर कुछ लोग खिड़कियों और छतों से झांकते हैं, फिर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ SDM परितोष वर्मा, जनरल मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी समेत अन्य अधिकारी भी इलाके में सुरक्षा के साथ लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयास करते हुए मिले। अब जो वहां के हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हल्द्वानी में पुलिस ने जाहिद हुसैन को गोली मारने के बाद उसके सीने पर लाठियों से तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस के भेष में कौन लोग हैं ये जो मुस्लिमों पर जुल्म कर रहे हैं? कौन लोग हैं? पुलिस का काम होता है स्थिति संभालना या स्थिति को बिगाड़ देना। एक और यूजर ने ट्वीट की ओर लिखा है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगा हुआ, कर्फ्यू लगाया गया, दंगे के दौरान एक लाश मिली, जिस व्यक्ति की लाश मिली उसका नाम प्रकाश बताया गया, फिर क्या था? गोदी मीडिया ने नफरती खबरें चलानी शुरू कर दी, लेकिन सच सुनिए, प्रकाश का अफेयर था, उसे 3 लोगों ने मारकर फेंक दिया। मारने वाले शातिर थे, उन्हें पता था दंगे के दौरान सारा का सारा जो इल्जाम है वो समुदाय पर आ जाएगा, लेकिन पुलिस जांच में पकड़े गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन जो मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश रची गई वो भी आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि किस तरह से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। स्थितियां संभालने की बजाय स्थितियों को और बिगाड़ा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार जो है खौफ बना हुआ है। हल्द्वानी में टूरिज्म ठप होता जा रहा है, रोजगार नहीं है, कुछ घंटे के लिए शॉप खोली जाती है जिससे आप अपनी जरूरत का सामान ले ले, ऐसे जीवन कैसे लोग जिए? कहीं किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है तो कहीं इस तरह की हिंसाएं जो है वो अंजाम दी जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव में ये दंगे होना, उस समय में ये सब जो है किस प्रोपोगेंडा के तहत हो रहा है, ये आप भी समझ रहे होंगे बखूबी, क्योंकि ये लोग पुलिस के नाम पर, पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर मनमाना तरीका अपनाकर लोगों को परेशान करने से, उनको मौत के उद्घाट उतारने से भी नहीं चूक रहे। इतनी बर्बरता क्यों? वो भी तो हमारे ही देश के लोग हैं, क्यों ये समझना लोग भूल चुके हैं? बहरहाल ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो हल्द्वानी का माहौल है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।